नमस्कार, एडीएम नॉलेज पॉइंट चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हमारा आज का वीडियो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और पतन से संबंधित प्रश्नोत्तर से है, और इसमें आप मगध साम्राज्य के बारे में विभिन्न सम्राटों के और विभिन्न वंशों के उद्भव के बारे में जान सकेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम साम्राज्य होने का गौरव किस जनपद को प्राप्त है? तो वो है मगध महाजनपद। इसके संस्थापक बृहदत्त था। इसकी आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिवृष था, जिसकी स्थापना वसु ने की थी, और रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। बृहदत्त जरासंध का पिता और वसु का पुत्र था। दूसरा प्रश्न है, मगध साम्राज्य का विस्तार किस वंश के समय हुआ था? तो इसका उत्तर है शिशुनांग वंश एवं नंदवंश, और इसका विकास जो है हरियक वंश के समय से शुरू हो गया था। रिपुंजय का वध करके उसके मंत्री पुलिक ने अपने पुत्र को गद्दी में बैठा करके नए राजवंश की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हरियक वंश के तीन महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे? तो वो तीन महत्वपूर्ण शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। चौथा प्रश्न है कि हरियक वंश के किस शासक ने गिरिब्रज, जिसको राजगृह या राजगीर भी कहा जाता है, को अपनी राजधानी बनाई? तो वो शासक थे बिंबिसार। मगध की इस प्रारंभिक राजधानी का वास्तुकार महागोविंद था, और बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन और भट्टी नामक एक सामंत का पुत्र था। पांचवा प्रश्न है, स्थायी सेना रखने के कारण किस हरियक वंशी शासक को सेनीय भी कहा जाता है? तो वो शासक थे बिंबिसार। इसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पास पैदल सेना भी था, और यही हरियक वंश का वास्तविक और शक्तिशाली शासक था। छठवां प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजा को हराने के बाद वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा या गवर्नर नियुक्त किया? तो बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराया था, और उसके बाद अजातशत्रु को उपराजा गवर्नर नियुक्त किया था। अंग जो है बिहार के भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में है, और इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की थी। सातवां प्रश्न है, बिंबिसार के निजी चिकित्सक का क्या नाम था? तो जीवक नाम था। वह चिकित्सक सलामती नामक गणिका का पुत्र था, जिसने चंद्र प्रद्योत महासेन, जो कि उज्जैन के शासक थे, उनकी पीलिया का इलाज भी किया था। आठवां प्रश्न है, तक्षशिला के गंधार शासक के किस राजदूत का आगमन बिंबिसार के दरबार में हुआ था? तो उस राजदूत का नाम था पुकुस्ती। नौवां प्रश्न है, बिंबिसार के उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तो ये राजभट्ट कहलाते थे, और इनके चार श्रेणी हुआ करते थे, सामान्य कार्यों के लिए संबंधक, सेना के कार्य के लिए सेनानायक, न्यायिक कार्य के लिए बुहारी, और उत्पादन कर के लिए महामात्म हुआ करते थे। दसवां प्रश्न है, बिंबिसार के जीवन का वर्णन किस बौद्ध और जैन साहित्य में वर्णित किया गया है? तो वो साहित्य है विनय पिटक, जो कि बौद्ध साहित्य है, और आवश्यक सूत्र ये जैन साहित्य है। 15 वर्ष की आयु में ही मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार का वध उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, और उन्होंने 52 वर्षों तक के शासन किया था। 11वां प्रश्न है, किस मगध शासक को कुड़िक भी कहा जाता है? तो वो मगध शासक है अजातशत्रु। इसने वज्जी संघ या लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध में रथ मुसल, जिस रथ के चारों ओर चाकू लगा होता था और बीच में जो सारथी होता था वो सुरक्षित रहता था, तथा महाशिला कंटक, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों से मारने का यंत्र है, इसका प्रयोग किया गया था। 12वां प्रश्न है, महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन कौन मगध शासक था? तो अजातशत्रु। ये पहले जैन धर्म को अपना लिए थे, फिर बाद में महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया। इनके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जो कि 483 ईसा पूर्व, और इसकी मृत्यु के ठीक 8 वर्ष पूर्व 469 ईसा पूर्व में इन्हीं के शासनकाल में महावीर स्वामी का कैवल्य हुआ था। 13वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो वो थे अजातशत्रु। राजगीर के वैभव पर्वत की सप्तकर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ।
जिसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संपादन भी हुआ। प्रथम बौद्ध परिषद में अजातशत्रु स्वयं उपस्थित था और इस वंश को प्रतिहंसा वंश के नाम से भी जाना जाता है और इसके शासक अजातशत्रु की मृत्यु जो है 461 ईसा पूर्व में हुई और उन्होंने 32 वर्ष तक राज किया। 14वां प्रश्न है, अजातशत्रु का पुत्र उदीन जिसको उदयभद्र भी कहा जाता है मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो ये 460 ईसा पूर्व में, और इन्होंने भी अपने पिता की हत्या का राजपाट हथिया लिया था और यह जैन धर्मावलंबी था और यह पहले चंपा का उपराजा भी बना था जब इन्होंने मगध की गद्दी नहीं संभाली थी तब। 15वां प्रश्न है, किस शासक ने राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, तो ये उदीन थे। इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटली ग्राम या कुसुमपुर की स्थापना की थी जो बाद में पाटलिपुत्र कहलाया। 16वां प्रश्न है, हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक, और ये नागदशक को दर्शक भी कहा जाता है और ये बहुत ही कमजोर शासक था। अवंती के शासक पालक के कहने पर उदीन की हत्या उसके ही एक गुप्तचर ने कर दी थी। 17वां प्रश्न है, हरियक वंश की समाप्ति के बाद मगध किस वंश ने मगध पर शासन किया, तो शिशुनाग वंश ने 412 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ और वे मगध साम्राज्य के अंग बनने से पहले बनारस के राजा का गवर्नर भी था और नागदशक का अमात्य यानी कि मंत्री भी था। 18वां प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित की, तो शिशुनाग वज्जियों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया था। 19वां प्रश्न है कि किस शासक के काल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो उसका नाम था कालाशोक और यह शिशुनाग के पुत्र था और इन्होंने ही पाटलिपुत्र जिसको अभी पटना कहते हैं में मगध की राजधानी का स्थानांतरण किया था। इनके शासन के 10वें वर्ष में तथा गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद ये जो दूसरी बौद्ध संगीति है इसका आयोजन हुआ था। 20वां प्रश्न है, 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के अंत के पश्चात किस वंश का उदय हुआ, तो नंद वंश का उदय हुआ। महापद्मानंद ने चाकू मारकर कालाशोक जिसको काकवर्ण या कालवर्प भी कहा जाता है उसकी हत्या कर दी और इस वंश की स्थापना की नंदवंश की और यह पहला गैर क्षत्रिय यानी शूद्र राजवंश था। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार ये जो नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद थे ये वेश्या और नाई का पुत्र था। 21वां प्रश्न है, केंद्रीय शासन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, तो महापद्मानंद को, और इस महापद्मानंद को एक राट एक छत्रक संप्रभु शासक सर्व छत्रांतक यानी कि दूसरा परशुराम उग्रसेन विशाल सेना रखने के कारण आदि नामों से भी जाना जाता है। 22वां प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य और संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि, और पाणिनि जो है ये महापद्मानंद के परम मित्र थे। 23वां प्रश्न है, कौशल और कलिंग विजय के पश्चात महापद्मानंद ने कौन सी जैन प्रतिमा विजय प्रतीक के रूप में मगध ले आया था, तो वो उस प्रतिमा का नाम था जिनसेन और इन्होंने ही कलिंग में एक नहर भी बनवाया था जिसका उल्लेख कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। 24वां प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद और यह बहुत ही क्रूर और निरंकुश शासक था। यह महापद्मानंद का 9वां पुत्र था जिसके दरबार में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग भी गणिकाएँ हुआ करती थीं। 25वां प्रश्न है, धनानंद के शासनकाल में किस विदेशी ने आक्रमण किया था, तो वो थे सिकंदर अलेक्जेंडर 325 से 326 ईसा पूर्व में, लेकिन धनानंद के विशाल सेना के आगे सिकंदर ने घुटने टेक दिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। 26वां प्रश्न है, महानंद महाकाव्य की रचना किसने की थी, तो महर्षि पंतजलि ने की थी और इस महाकाव्य में नंदवंश की महानता का विशद विवेचन देखने को मिलता है। 27वां प्रश्न है, नंद राजा के पास खजाने थे जिसमें 7 प्रकार के कीमती पत्थर थे, यह वाक्य किसने अपनी यात्रा वर्णन में उल्लेख किया है, तो वेनसांग जो 7वीं सदी में भारत आए थे उन्होंने इसका उल्लेख अपनी यात्रा वर्णन में किया है। 28वां प्रश्न है, धनानंद के दरबार में जैन अमात्य कौन कौन थे, तो सकटाल और स्थूलभद्र इसके जैन अमात्य थे और इसके अलावा भी उनमें और कई विद्वान थे जैसे कि उपवर्ष वररुचि कात्यायन आदि। 29वां प्रश्न है, नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर किसने मौर्य वंश की स्थापना की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। अब आज के वीडियो का 30वां और अंतिम प्रश्न है, हाथी गुफा
प्राकृतिक हाथी गुफा कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के उदयगिरी पर्वतमाला में स्थित है और यहीं चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद का इतिहास का उल्लेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है, जिसको राजा खारबेल ने उत्कीर्ण कराया है। तो ये था आज का हमारा सामान्य अध्ययन में इतिहास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।